किसी का भाई किसी की जान इस मूवी में दिखाया गया है। सलमान खान एक दबंगई और एक मजबूत आदमी होते हैं जिससे पूरा शहर डरता है। पिक्चर शुरू होती है कॉलेज से। कॉलेज में हो जाती है लड़ाई और जिन लड़कों से लड़ाई होती है वो लड़के अपने दोस्त को फोन करते हैं। वो दोस्त कॉलेज में आते हैं और प्रिंसिपल उनसे बोलता है कि भैया बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है तुम्हारे दोस्तों की लड़ाई में, तो इसका हर्जाना देगा कौन। वो लड़के होते हैं सलमान खान के भाई। वो भाई कॉलेज के प्रिंसिपल को ब्लैंक चेक देके बोलते हैं जो भी खर्चा हुआ हो भैया इसको अदा विदा करो। और जब वापस जाने लगते हैं तो पीछे से फिर एक जाती है, कायरो कहाँ जा रहे हो। सलमान खान के भाई पलटते हैं और फिर से लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा तोड़ा ताड़ी हो जाती है। प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा आता है गुस्सा। प्रिंसिपल जाता है सलमान खान से शिकायत करने, पर जब घर जाता है तो देखता है सलमान भाई खुद ही लड़ा से बैठे हैं, हर किसी से लड़े भिड़े जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल बोलता है चलो चल के हम कलेक्टर को और एसपी को इन लोग को शिकायत करते हैं। पर बाद में पता चलता है कि पूरा कलेक्टर और एसपी इन्हीं के घर में है। कलेक्टर चाचा होते हैं, एसपी पिता होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है पूजा हेगड़े की तरफ। पूजा हेगड़े सलमान खान के जस्ट सामने किराए में एक घर लेती रहती है। सलमान खान के भाइयों को शादी की चुल लगी होती है तो वो सोचते हैं पहले बड़े भाई की शादी करवा दी जाए, बाद में हम लोग की होगी। तो सलमान खान का भाई चक्कर पूजा हेगड़े से करवा देते हैं और पूजा हेगड़े राजी तो हो जाती है, फिर बोलती है कि मेरा हाथ मांगने तुम्हें गांव आना पड़ेगा मेरे भाई से। पूजा हेगड़े के भाई का रोल वेंकटेश ने निभाया है, ये साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर है। सीन शिफ्ट होता है वेंकटेश के ऊपर। वेंकटेश और जगपति बाबू के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है। उस बीच में जगपति बाबू से एक मर्डर हो जाता है। वो मर्डर होता है पूजा हेगड़े के भाई का। उस मर्डर के आरोप में जगपति बाबू चले जाते हैं जेल। जगपति बाबू का एक लड़का होता है, सेकंड विलन होता है। सीन शिफ्ट होता है सलमान खान की तरफ। पूजा हेगड़े को ये नहीं पता कि सलमान खान बहुत बड़ा गुंडा है, क्योंकि पूजा हेगड़े की फैमिली को गुंडे पसंद नहीं है बिल्कुल। ये बात ना जानते हुए सलमान खान को वो अपने गाँव ले जाने लगती है। ट्रेन में कुछ लड़ाई होती है और वो हमला होता है पूजा हेगड़े के ऊपर, पर पूजा हेगड़े गलत फहमी का शिकार हो जाती है और वो समझती है कि सलमान खान ने लड़ाई करी है बेमतलब की। फिर इन लोग जैसे तैसे गाँव जाते हैं। पूजा हेगड़े नाराज हो जाती है और उसके भाई को सलमान खान पसंद आ जाता है। वेंकटेश को लगता है कि पूजा हेगड़े और सलमान खान दोनों आपस में प्यार करते हैं, इनकी शादी करवा दो, तो इनकी शादी तय हो जाती है। ये पता चल जाता है भाइयों को सलमान खान के। सलमान खान के भाई गांव वापस आते हैं। उसी बीच जगपति बाबू जेल से वापस आ जाता है और जेल से उस दिन आता है जिस दिन सलमान खान की शादी होती पूजा हेगड़े के साथ। सीन शिफ्ट होता है जगपति बाबू की तरफ, उसके बेटी की तरफ। ये दोनों वेंकटेश के पूरे परिवार को किडनैप करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। जब उन लोगों को पता चलता है कि पूरा परिवार गया कहां, पूजा हेगड़े के पास एक कॉल आती है। वो कॉल होती है जगपति बाबू के लड़के की और वो बोलता है तुम्हारा जो पूरा परिवार है वो मेरे कब्जे में है, जमीन के पेपर अपने बाप के साथ मेरे साथ आओ, नहीं तो तुम्हारे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। फिर पूजा हेगड़े को याद आता है कि लास्ट टाइम जो गोलियां चली थी वो कोई इत्तेफाक से नहीं चली थी, क्योंकि वो कहा जाता है कि आतंकवादियों ने हमला किया था। पर अब पूजा हेगड़े को सब याद आ जाता है, नहीं वो आतंकवादियों का हमला नहीं इन गुंडों का हमला था। पूजा हेगड़े ये बात सलमान खान के भाइयों को बताती है। सलमान खान के भाई और पूजा हेगड़े जाते हैं जगपति बाबू के पास। फिर उधर लड़ाई झगड़ा खूब होता है। होने के बाद जब सब मजबूर हो जाते हैं और सब उनके कब्जे में होते हैं जगपति बाबू के, फिर एंट्री होती है हमारे भाइयों का भाई सलमान भाई की। सीन शिफ्ट होता है फाइट में। फाइट होती है, फाइट होने के बाद सलमान खान भाई अपने जीत जाते हैं और जीतने के बाद भैया शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भैया जाओ स्टोरी खत्म, मजे करो, बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। पूरी स्टोरी बता दी है, अब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे। और KGF 3 उसके बारे में जानना है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह लिंक दिए दे रहे हैं, देख लेना जाके। बहुत गजब की स्टोरी डाली है मैंने।